पब्लिक टीवी आपकी आवाज। ईद के मौके पर भाजपा की प्रत्याशी रही अभिनेत्री जयप्रदा रामपुर पहुंची और आवाम को ईद की मुबारकबाद दी, जिसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए अपने राजनीतिक विरोधी आजम खां पर तंज कसा। जयप्रदा ने कहा, आजम खां की हर दम सुर्खियों में रहने की आदत है और कुछ न कुछ कहते रहते हैं। वहीं सपा बसपा गठबंधन पर जयप्रदा बोली, मायावती जी ने यह निर्णय पहले किया होता तो आज ये रामपुर में गणित अलग होता। जयप्रदा ने भाजपा में कोई पद मिलने के सवाल पर कहा, हार जीत चुनाव में होती रहती है, तो क्या पद के लिए सोचकर हम पार्टी में रहें, ऐसा कभी नहीं हुआ है। आजम खां द्वारा 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान और लोकसभा में कम वोट मिलने पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए रामपुर से भाजपा के प्रत्याशी जयप्रदा ने कहा, आजम साहब की हरदम सुर्खियों में रहने की आदत है और कुछ न कुछ कहते रहते हैं, कभी इस्तीफा देंगे। कल उन्होंने विधानसभा का इस्तीफा देकर दिखाया, अब हर रोज एक एक नया ड्रामा करेंगे तो वह जाने और समाजवादी पार्टी के उनके शीर्ष लोग डिसाइड करें। आजम खान साहब लड़े या न लड़े हमें कोई मतलब नहीं है। रामपुर से भाजपा प्रत्याशी रही जयप्रदा ने सपा बसपा गठबंधन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देखिए, ये तो होना ही था, थोड़ा देर से हुआ है, लेकिन अगर चुनाव से पहले यह गठबंधन टूटता और आदरणीय बहन जी मायावती जी यह निर्णय पहले किया होता तो आज यहाँ रामपुर में गणित अलग होता, क्योंकि जो बुआ बबुआ का रिश्ता है वह तो टूट ही गया है, तो कैसे क्यों हुआ है यह तो वह जाने, लेकिन बात यह है कि बहन जी यह कह रही हैं कि अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को वह जीता नहीं पाए तो पूरी पार्टी में उनका लगाव वह छूट गया है और पार्टी में कोई काबू नहीं है, इसलिए वो 11 सीट पर उपचुनाव लड़ना चाहती हैं। जयप्रदा ने कहा, आदरणीय मोदी जी ने पहले ही भविष्यवाणी दे दिया था कि 30 मई के बाद यह गठबंधन टूट जाएगा, तो वैसा ही हुआ है, क्योंकि ये बुआ बबुआ का जो रिश्ता है वह सिर्फ स्वार्थ का है और मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना है और अखिलेश को सीएम बनाना है, तो ये होता भी नहीं और होगा भी नहीं। वही सपा बसपा गठबंधन न होने पर रामपुर से भाजपा प्रत्याशी जयप्रदा की जीत होने के बाद पर जयप्रदा ने कहा, बिल्कुल, क्योंकि सब लोगों ने यह अफवाह फैलाई कि मायावती जी प्रधानमंत्री बनने वाली हैं, तो इस तरह की बातें जो हवा में हुई हैं, तो गरीब और नादान लोग जो वोट देते हैं उन्होंने सोचा था कि मायावती जी प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। उन्होंने कहा, गठबंधन की वजह से नुकसान तो जरूर पहुंचाया है। देखियो, ये तो होना ही था, थोड़ा देर से हुई है, लेकिन यही अगर चुनाव से पहले ये गठबंधन तोड़ता है और आदरणीय बहन जी मायावती जी ये पहले निर्णय किया होता तो आज यहाँ रामपुर में गणित अलग होता है, क्योंकि जो बुआ बबुआ के रिश्ता जो है वो तो टूट ही गया है, तो कैसे क्यों हुआ है ये वो जाने, लेकिन बात यह है कि बहन जी ये कह रही है कि उनके अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को वो जिता नहीं पाया तो पूरी पार्टी में उनका लगाम जो है वो छूट गया है और पार्टी में कोई काबू नहीं है, तो इसलिए वो अलग चुनाव लड़ना चाहती है जो 11 सीट पे चुनाव आने वाला है। तो ये बात जो है दुनिया को भी मालूम है, आदरणीय मोदी जी ने इसके पहले ही उन्होंने भविष्यवाणी दे दिया था कि ये 30 मई के बाद ये गठबंधन टूट जाएगा, तो वैसे ही हुआ है, ये मुझे पता है कि क्योंकि ये बुआ बहुआ का जो रिश्ता है ये सिर्फ स्वार्थ है और वो मायावती जी को प्रधानमंत्री बनना है और अखिलेश को सीएम बनना है, तो ये होता है नहीं, ये होगा भी नहीं बिल्कुल, क्योंकि सब लोग ये अफवाह फैलाया कि मायावती जी प्रधानमंत्री बनने वाली है, तो इस तरह का जो हवा में जो बातें हुई है तो गरीब लोग जो नादान लोग जो बिलीव करते हैं जो वोट देते हैं वो लोग ने सोचा था कि मायावती जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ये तो अफवाह है ना, लेकिन जो बात है जो गठबंधन की बात है वो बात के वजह से नुकसान तो ज़रूर पहुँचा है।